कैमे हो जी की हाल चाल ढा रमन शर्मा नवी वीडियो राइटिंग दे सनानिम्स नू लेके माड़ी जी गल सुन के गौर नाल सुनियो मेरी कहिंदा एक बार एक फ्लड आउंदा है ते सारे पासे पानी ही पानी हुंदा है ते कोई बंदा ना बचाले फस जांदा है पानी दे छत दे खड़ा हुंदा है अपनी ते सारे पासे देखदा किलोमीटरां तक कोई भी बंदा नहीं हुंदा आपदे परमात्मा नू अरदास करदा है वी आ जा बचा लै 10 मिनट बाद एक किश्ती आती है किश्ती वाला कहता बह जा लै जाना कहता नहीं 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 मेरा परमात्मा आऊगा चलो जी 15 मिनट बाद फिर उत्थे एक हैलीकॉप्टर आउंदा हैगा वह कहते आ जा बह जा उन्होंने रस्सी डेगती कहता नहीं 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 मैनू परमात्मा बचाउणा आऊगा 10-15 मिनट बाद उत्थे की होंदियां ने 4-5 बोट्स आउंदियां ने अलग अलग कहते बह जा कहता नहीं 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 मैनू परमात्मा आऊगा इन्हें नूं कहते पानी का फ्लो बच जाता है मर जाता है उपर जाता है परमात्मा को परमात्मा शिकायत करता है कहना मैनू ए दस भी तेनों जलों इन्ना ध्याया तू मैनू बचा क्यों नहीं आया परमात्मा कहना भी जी किश्ती सी जड़ा जहाज सीगा वो किने भेजा सीगा रौला ये हैगा कि परमात्मा जरिया बनाउंदा है परमात्मा ये थोड़ी भी शरेआम तुहानू सीधा आके कह दूगा भी आ जा बांह फड़ते चलीए परमात्मा लोगों के रूप च आउंदा हैगा ते किसी ना किसी की हर एक बंदे की एक ड्यूटी लाई हुई है बहुत सारे बच्चे मेरिया वीडियोज़ देख के पढ़ते हैं परमात्मा ने मेरी आह ड्यूटी लाई हुई है भी बच्चों को पढ़ाने का तो तुम सीखते हो तो बहुत सारे बच्चे जोड़े अफोर्ड भी नहीं करते मेरिया वीडियोज़ में देखते हैं तो बड़ा चंगे तरीके सीखते हैं तो विश्वास रख्या करो पर यह भी नहीं है कि कह कह दो भी शरेआम आ जा परमात्मा वो बंद रूप से आंदा है तो गौर रखियो भरोसा रखियो शुरू करते हैं अज की क्लास बड़े वधिया तरीके पढ़ाऊँगा की पढ़ाने लगे अच याद है मैनू मैं एक्टिंग कर रहा एक्चुअली ओवर हो गई सी थोड़ी जी कोई गल नहीं आईएलस राइटिंग पढ़ाने लगे हाँ तो राइटिंग दा सनानिम्स राइटिंग दे विच केड़े केड़े सनानिम्स यूज़ करते हैं आपां उहदी गल करन लगे हाँ अज तो सब तो पहला अपना लोगो रमन आईएलस तो पावर्ड बाय बेबी कोड सीईओ साडा भरा पवन कुमार मतलब सारी रेख देख यही करते हैं बेबी कोड वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन है आईएलस करनी है एक तो रमन को पढ़ना पेगा तो दूजा बेबी कोड के उत्ते प्रैक्टिस करनी पेगी एप्लीकेशन है डाउनलोड कर लियो मेरी आपकी एप्लीकेशन है सारे मॉड्यूल मिलने हर एक मॉड्यूल की परफेक्ट तरीके प्रैक्टिस होगी स्पीकिंग कर लो राइटिंग कर लो रीडिंग कर लो लिसनिंग कर लो तो राइटिंग तो साड़ी टीम हाले काम कर रही है कि कह लो मैटर जी राइटिंग नहीं लभी वी आर वर्किंग ऑन इट जे इन डाउनलोड कर दो मेरा प्रोमो कोड जरूर यूज़ करियो रमन 0007 ये अनलिमिटेड टेस्ट खोले जाएंगे मेरिया बहुत सारिया वीडियोज़ खोली जाएगियाँ जिहड़ियां यूट्यूब ते नहीं मिलदियां ते इहदी कॉस्ट बहुत घट है तुसीं एप्लीकेशन डाउनलोड करके एक महीना मेरे करके यूज़ कर लियो तुहाडे 5 बैंड तो जे 7 बैंड का सफर ना होया मेरे कमेंटा जाके जरूर मैनू हार पा के जाइयो भी बाई जी तुहाने गलत कहता सीगा रमन गलत कहता नहीं हैगा कदे चलो शुरू करदे आ क्लास राइटिंग 8 बैंड सनानिम्स ते पहला सनानिम है पीपल बड़ा कम देगा मतलब हर एक ऐसे दे विच तुहानू पीपल देखन नू मिलेगा पीपल लोगों नू असी सिटीजनस भी कह दें ते बड़े लोगों ना एक बड़ा रवाज चल रहा है ये फॉर्मल वर्ड है ये इनफॉर्मल वर्ड है एवें दा कुछ नहीं हुंदा ये तुहानू डराया जांदा हैगा होर कुछ नहीं हैगा हाँ फॉर्मल इनफॉर्मल च इन्ना क फर्क जरूर रखियो जिवें आपां कहिंदे मान लो प्रिंसीपल ने तुहानू पुछिया भी हाउ आर यू तुसीं उहनूं जवाब दोगे आई एम गुड है ना जां आई एम ग्रेट हुण प्रिंसीपल नूं इह थोड़ी कहोगे आई एम कूल डूड से यू मतलब ओ इनफॉर्मल है ठीक है तां सिटीजन बोल सकदे हो लोक सिटीजन ही हुंदे आ इंडिविजुअल्स भी लोक हुंदे आ पॉपुलेंस जिन्हों पॉपुलेशन कहने वह भी यूज़ करते हैं मैनकाइंड ह्यूमन बीइंग्स ते ह्यूमनस मतलब की है लिखण की कितने लोड़ नहीं आराम नाल सुनी चलो साडे दिमाग च बैजूगा लोगों नू इंडिविजुअल्स भी कहने सिटीजन भी कहने पॉपुलेंस मतलब मैं तुहानूं ये सारे वर्ड पता क्यों दे रहा तुसीं स्क्रीनशॉट मारी चलियो ना नाल नाल इहदे नाल की होगा तुहानूं वोकैबुलरी रिपीट नहीं होगी तुहाडी ते इहदे नाल तुहाडे बैंड ने जिहड़े ओह कदे घटणगे नहीं दैट्स इट एडी क खेड है ठीक है पहला वर्ड हो गया पीपल नैक्सट वर्ड क्राइम अक्सर सानू क्राइम के उत्ते बड़े टॉपिक आते हैं गे CID दया वाले क्राइम नूं असीं की कह सकते हैं रोंग डूइंग गलत काम ने ऑफेंस करना यह बड़ा जरूरी हैगा ते इलीगल एक्टिविटी ये 3 वर्ड ने जिहड़े आपां क्राइम ते कोई टॉपिक आ गया लड़ाई झगड़े ते आ गया 3 मतलब पहली बार क्राइम यूज़ कर लिया फिर रोंग डूइंग चल रहा सीगा फिर ये तो बड़ा वड्डा ऑफेंस हैगा फिर इलीगल एक्टिविटी है जे फिर दोबारे तुसीं क्राइम कह दोगे ना फिर ये रेपीटिशन नहीं हुंदी हैगी मतलब एडा मशीन भी नहीं है ना असी तो मतलब कहने का यह कि जे तुहानू 3-4 वर्ड आउंदे आ दैट्स गुड तो क्राइम के नाल जुड़े हुए वर्ड है क्रिमिनल
ਕਰੀਮੀ ਨਾਲ ਵੀ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਫੈਂਡਰ ਉਧਰ ਅਫੈਂਸ ਸੀਗਾ ਅਫੈਂਡਰ ਫੈਲਨ ਜਾਂ ਲਾਅ ਬ੍ਰੇਕਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਲਪਰੇਟ ਕਲਪਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਰਬ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਰੈਡੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਰੈਡੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਗੈਟ ਰਿਡ ਆਫ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਡ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਮਿਟੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਮਿਟੀਗੇਟ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਆ ਚਲੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਪੀਪਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਅਤੇ ਸੋਲਵ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕੁ ਵਰਡ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰੂੰਗਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਠੀਕ ਆ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਸਜ਼ਾ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਨਲਟੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਪੈ ਗਈ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰੇਡ ਮਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਪੈ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਇੰਪਰੀਜ਼ਨਮੈਂਟ ਵੀ ਇੱਕ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦੇਣੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨੋਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਉਹ ਵਰਡ ਚੱਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸਕਿੱਪ ਕਰਨ ਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਕੋਸਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜਾਂ ਐਕਸਪੈਂਸ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾ ਬੜੀ ਘੈਂਟ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਹਾਫ ਨੌਲੇਜ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਡੇਂਜਰਸ ਹਾਫ ਨੌਲੇਜ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਡੇਂਜਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦਾ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ 1:30 ਵਜੇ ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਗਦਾ ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਰੰਗੇ ਹੁੰਦਾ ਨੰਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫੜੂੰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਚਲੋ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਕੀ ਕਰਿਆ ਚਾਰਜ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸੌਂਗੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਂ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵੀ ਦੇਖੂੰਗਾ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਜਗਿਆ ਇਹਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੇ ਅੱਖਰ ਐਂ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਸੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਰਮਨ ਸਪੋਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜਾਓ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਡ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਐਡ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਜੇ ਅੱਖਰ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਆਏ ਹਾਏ 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 ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜੀ ਆਪਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁੱਤੀ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ ਥਾਪੜੋ ਥਾਪੜੀ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਹੈਗੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਐਂ ਜੇ ਮਸਲ ਦੀ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਘਰਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਖਸਮਾ ਬੈਂਟਰੀ ਫੁੱਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਲੱਗਿਆ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਅੱਧੀ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਚੈਨਲ ਨੇ ਇੱਕ ਰਮਨ ਆਇਲਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਮਨ ਸਪੋਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨੇ ਆਪਣੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਫਿਰ ਆਹ ਕੰਜਰਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਦੈਟਸ ਇਟ ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ ਵਰਡ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਬਸ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨਸ਼ੋਟ ਲੈ ਲਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲਣਗੇ ਬੈਸਟ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਆਈਡੀਅਲ ਜਾਂ ਗੁੱਡ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੂਟੇਬਲ ਹੋਣਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਗੁੱਡ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਵੇ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਉਹ ਵੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਾਏ ਵੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਵੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੇ ਹੁੰਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮੈਥਡ ਕਿਵੇਂ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਕਨੇਡਾ ਭੱਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਭੱਗਿਆ ਅੱਛਾ ਰਮਨ ਐਲਸ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਐਡ ਆਪ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਮੈਥਡ ਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਟੈਪ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਕਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੈਥਡ ਵਰਡ ਨੂੰ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੁੱਤ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਲੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੱਢ ਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚਲੋ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਅੱਜ ਬੜੀ ਘੈਂਟ ਗੱਲ ਸਿਖਾ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਨਾਨਿਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਆ ਗਈ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਹੈ ਟਰਬਲ ਹੈ
ये तो बड़ी यार बड़ी औखी चीज़ है। हैसल, इनू हैसल भी कह देंगे कि मैं कितना हैसल कर रहा, कितनी प्रॉब्लम्स चा। इशू या ऑब्सटैकल, आ वर्ड मैं बड़ा यार यूज कर दूँ ना, ऑब्सटैकल केड़ी प्रॉब्लम है, डिफिकल्टी, ट्रबल, हैसल, इशू, ऑब्सटैकल, ये सारिया चीज़ा कहदे लिए यूज होंगे ने, प्रॉब्लम्स लिए यूज होंगे ने। मैं तुहानू ना एक सवाल पूछना, उम्मीद है तुहानू बड़िया नू पता होगा, खास तौर पर पंजाबी दे विच ज़्यादा पूछा जाता है। जिहड़ी गन होंदी आ, गन अक्सर कई लोग कहें भी वह भरावा इनू सैड तो कर लै, खाली भी चल पाती है, इहदा मतलब की है? मैनू कमेंटा च जरूर दस्सियो, जे मैनू किसी की गल चंगी लगी ना तो वीडियो के एंड च मैं जरूर दस के भी जाऊँगा, एंड तो थोड़ा पहला कि सीधा एंड तो मारो छड्डो सुनाने आह गल सीख लीए, बिच दी कि दसूँगा जरूर, कि तुसीं भी कमेंटा च दस्सियो जे किसी नूं पता होगा, है ना, मेरे दसे तो पहला जो पता होगा कि जिहड़ी गन हुंदी आ, कई लोग कहिंदे आ ना वी यार इहनूं सैड ते कर लै, इह तां खाली भी चल पाती है। हुण खाली चल पाती है इहदा मतलब की हैगा? जो किसी नूं ऐ लगदा वी सर जी भुलेखे नाल कोई गोली गोली बिच रह जांदी आ, एवें नहीं हुंदा, तुसीं दसो इहदा मतलब की है, खाली भी चल पाती है। वीडियो नूं स्टॉप करके कमेंट कर सकते हो, तो वीडियो के एंड च मैं दसूंगा भी इहदा मतलब की है, तो बड़ी नॉलेज वाली गल है, वो पंजाबियों के लिए तो खास तौर पर अपनी चीज़ पता होनी चाहिए है, ठीक है। डिक्रीज होना, किसी चीज़ का घटना, रिड्यूस हो जाना, या लोअर घटना, लोअर है ना, या लैसन, ए एल ई डबल एस ई एन, यार अंग्रेजी बड़ी खतरनाक चीज़ है। हुण एक तो लैसन जिदे च तां ओ हुंदी है, वह तो लैसन हुंदा मैं स्कूल का लैसन सीख लिया, इह च ई है इहदा मतलब है घटना। किसी मुंडे का रिश्ता हो रहा जी, कहिंदे मुंडा की करदा जी, कहिंदे प्रे करदा है, कहिंदे प्रे करदा, वाओ मुंडा कितना चंगा है ना, मतलब की हो गया। प्रे भी दो तरीके का है, एक तो पी आर ए वाई, उन्होंने तो लगे भी प्रे करता है, पाठ पूजा वाला होगा, वो बाद चो पता लगे भी प्रे का पुत ई वाला है, अच्छा ये भी है, हाँ इहदा मतलब है शिकार करता है। तुसीं इह देखो अंग्रेजी के किन्ने मतलब ने यार, आही तो समझाउण दा स्वाद आउंदा हैगा, जे तरीके नाल सिखोगे तो बहुत वधिया पढ़ाऊंगा। मतलब की है, किसी चीज़ नूं डिक्रीज करना, रिड्यूस करना, लोअर करना, लैसन करना, डिकलाइन करना, ये बहुत सारिया चीज़ा। बिलीव करना, ये तो बड़े मैनी पीपल बिलीव दैट, हरेक ऐसे आ जाता है। बिलीव नूं की कहते हैं, ओपाइन, थिंक, रैकन, अजर्ट, ये सारिया चीज़ा लोगों के बिलीव ते आ जाए ने, भी बिलीव करते हैं लोग। फैमिली, ये बड़े जगह पर मिलेगा, क्लोज्ड वनस, फैमिली मैंबरस या ब्लड रैलेटिवस, ये भी एक रिश्तिया के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। सैलरी, और तो सर बड़ा किनू लगता भी सैलरी बाद चो आती है, तो उन्हें पहला प्लैनिंग होंगी भी इन्ने वो दिन, इन्ने वे दिन, इन्ने दिन, लास्ट भाई जी खाली। जिंदगी एक गल याद रखियो, बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, कुछ भी करते हो, जो मंथ की सैलरी मिलती है ना, वह 10% 20% अपने आप को दिया करो, ट्रीट यूअर सैल्फ, अपने आप को ट्रीट करा करो भी मैं आह काम किया, उस तो बाद भावें सारे पैसे खर्च दिया करो, पर अपने आप को, क्योंकि यार जे तुसी इहदा रिगार्ड नहीं करोगे, जिहड़ा बंदा मेहनत कर देगा फिर ये होर इनू बूस्ट करना ना, इनू कहना ना भी होर मेहनत कर, तो डेफिनेटली एवरी मंथ जो एंड हों सैलरी मिलती है, जॉब से जब बिजनेस कुछ भी होंगे, अपने आप को कुछ पैसे दिया करो भी, यार तेरे पैसे ने यहाँ कुछ भी कर, अपने आप को खुश कर, तो इनू कहें ट्रीट यूअर सैल्फ, ठीक है। सैलरी के बड़े सनाने होंने, लाइक वेजिज, ये कैनेडा कहीं आप बोलते हैं कि वेज मिलती है ना, इनकम, या पे, या तेरा पैकेज किन्नेगा, ये सारिया चीज़ा बड़े यूज करते हैं आप सैलरी। तो एक गल होर सुन दो, बड़ी गल दसदा, ये कई लोग ये कहते हैं भी पैसा सारा कुछ नहीं होंदा, पैसा सारा कुछ नहीं होंदा, ये गल बोलन दे लई तुहाडे अकाउंट च बहुत ज़्यादा पैसा ऑलरेडी होना चाहिए, तुसीं तां बोलियो आ गल, तां जचोगी थोड़े मूहों गल, ये ना हो कि अपनी जेब खाली है तो आप कह दिए भी पैसा सब कुछ नहीं होंदा ना, फिर यह मतलब है अंगूर खट्टे ने भी अपने को है नहीं गा। तो जिंदगी बड़े घेंट गल् ने, जे तुम कोई ये कहना ना भी पैसे पुत दरख्तों पर नहीं उगते, अपन अक्सर सुनने मिलती ने गल, झाड़ा तो नहीं लगते पैसे, मैं रमन शर्मा कैमरे पर बोलदा, बंदा टैलेंटड होना चाहिए, प्रधान पैसे झाड़ा पर भी उगते हैं, बंदा टैलेंटड होना चाहिए, ताडे अंदर एक उस स्किल हो जहाँ बाकिया च ना हो ना, ताडे झाड़ा के भी पैसे उगते हैं, ताडे दरख्तों के भी पैसे उगते हैं, याद रखियो, जे ताडे टैलेंट है तुसीं दुनिया तो वखरे हो तो झाड़ा के पैसे भी उगणगे, ठीक है। सैलरी तो बाद आ गया रोड्स, जिहड़े आपां रोडां ते जाने हुंदे आ, ठीक है, इहनूं असीं स्ट्रीट्स भी कह दिंदे आ, हाँ तुसीं इहनूं कोई भी सोची रोड का वड्डा होंदा, स्ट्रीट छोटी होंदी है, पर इहदा सनाने मैं यूज़ कर सकते हैं। पाथवेज, रास्ते, हाईवेज यूज़ करते हैं, वे या रूट किहड़े ते जा रहे हैं, ये सारिया चीज़ा असीं यूज़ करते हैं, ठीक है, इहदा रोड्स लई हैगा। एक्यूरेट, बहुत सही है, एक्यूरेट मतलब करैक्ट, यू आर 100% करैक्ट,
एरर फ्री, कोई एरर नहीं हैगा या स्पेसिफिक यही गल है, स्पेसिफिक मतलब एक्यूरेट यही गल है, तो आप इन यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सही हैगा। अमेजिंग, हुण जदों मैं अमेजिंग तो बाद तुहानू गल दा भी जवाब देऊंगा, अमेजिंग दा मतलब होंदा बड़ी कमाल दी गल है, जिहनू एक्सट्रा ऑर्डिनरी या फैब्यूलस या इनक्रेडिबल या एस्टोनिशिंग या फैंटेस्टिक, मतलब अमेजिंग, अमेजिंग की जगह तुसीं बोल के रखियो इनक्रेडिबल, अविश्वासनीय है जिन्हों कहने दैट इज कॉल्ड इनक्रेडिबल, यार यकीन ही नहीं होंदा उन्हां दा मुंडा वो बाहर भाग गया, अच्छा आयश कित्थों कीती सी, समझता तुसी गए, बस मैं नहीं दसदा कित्थों कीती सी, कमेंटां च जरूर दस दिओ कि किहदे कोल करी, हाँ ऑनलाइन भी पढ़ाउंदे हो मैनूं पता है, शाम को 5 बजे तो 7 बजे तक ऑनलाइन क्लासिज होंगे ने। अच्छा नंबर देवा वह रमन आई लिट सकता, लै नंबर ले लो, मेरे असिस्टेंट का नंबर है 9988778966, ये नंबर तो बिना होर कोई नंबर नहीं है, उही ना किसी गलत पैसे पा दियो, ये नंबर तो भावें तुम कह पीपे च पैसे पा दो तो भी पा दियो, कोई चक्कर नहीं है, दिस इज़ माई ऑफिशियल नंबर, होर कोई नहीं, तो मेरी ब्रांच कली पाटणा च है, डिस्ट्रिक्ट पटियाला, पंजाब दे होर किसी हिस्से च नहीं है कि ओनली पाटणा, दैट्स इट, ठीक है। हाँ तो अमेजिंग, मैं तुम्हें गल दस रहा सीगा कि जिहड़े सज्जन मित्र ये गल कहिंदे सी ना भी खाली भी चल पाती है, इहदा मतलब ये नहीं हुंदा भी खाली भी चल पाती है कि बंदूक च सर कितें सफाई करदे हो कोई गोली फस जाती है तां भी चल पाती है, एवें नहीं हुंदा, खाली भी चल पाती है, मतलब यह हैगा सपोज तुसीं सामने कोई बंदा खड़ा है, तुसीं उहदे कोल पिस्टल करता, सपोज तुसीं सामने कोई बंदा खड़ा है तुसीं उहदे कोल पिस्टल करता, उस बंदे ने थाने दे विच जाके तुहाडे बारे तुहाडे अगेंस्ट पुलिस नूं शिकायत करती वी उस बंदे ने मेरे वल पिस्टल किया सी, ठीक है, तो हुण जिहड़ी पुलिस है ना वो तुहाडे ते जिहड़ी कार्रवाई करूगी ना, एक तां हुण जिवें तुसीं किसी ने फायर मारिया जिहड़ी धारा वह लगेगी फायर मारे की जिहड़ी धारा लगेगी ना ओही सेम धारा भावें तुसीं फायर नहीं भी मारिया भावें तुहाडा पिस्टल खाली भी है वह सेम धारा ही लगेगी भी भाई एक तरीके की तैने गोली मारी भावें गोली नहीं भी मारी, इहनूं की कहिंदे भी भरावा इह तां खाली भी चल पाती है, खाली भी चल पाती है मतलब है जे तुसीं खाली बंदूक भी किसी घनी करती ना तुहाडे ते ओह केस पऊगा जिहड़ा जिन्हें किसी ने गोली मारी वाला केस हैगा, तो मतलब यह कि वैपन है ना जो किसी शो नहीं करीदा या किसी वल नहीं करीदा, ये सब तो सियाने की गल है कि बंदूक खाली भी चल पाती है, मतलब है जो कोई शिकायत कर देना तुम कहोगे भी मेरे को गोलियां नहीं है, वो कहूगा भी हैगियां नहीं है, तो ये कहीं करी सी केस पै गया तो केस वो कहूगा भी जी च गोली चली हैगी, ठीक है, तो ये गलों की गौर रखियो, तो बड़ी घेंट गल है भी खाली भी किमें चल पाती है, ठीक है। चलो बिगिन करना ऐसे दे विच बड़ा जरूरी यूज करते हैं, टू बिगिन विद, टू कॉमेंट्स विद, इनिशिएट वैल्यू की है तो फॉर्म रिव्यू किनू कहते हैं जिन्होंने आप शुरुआत करना कहने, ये सारे बिगिन करन दे तरीके है। नैक्सट वर्ड है डेंजरस, डेंजरस नूं असीं की कहता, हैजर्ड्स भी कहता, हाई रिस्क भी कहता, प्रिकेरियस भी कहता, तो अनसेफ, ये सारे जिहड़े वर्ड ने असीं यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ डेंजरस, भी बहुत खतरनाक हैगा, ठीक है। फेमस, हाँ हाँ किहदी गल करिए, पता नहीं तुम आप समझदार हो, फेमस कौन कौन है तुम पता होना चाहिए, फेमस मतलब की है एमिनेंट या रिनॉन या फेम्ड या वैल नॉन, तो इनू प्रेस्टीजियस भी कह देने, प्रेस्टीजियस होंगे नामी, जेडे बंदे का नाम हो ना प्रेस्टीजियस परसन होंगे है, दैट इज कॉल्ड फेम, ठीक है। तो एक वोकैबुलरी होर सिखाना तुम्हें, पहला हैप्पी, joyful, मैं बहुत हैप्पी हाँ, मैं बहुत joyful हाँ, मैं pleased हाँ या मैं delighted हाँ, मैं jubilant हाँ, ये सारे खुश होने वाले सुना नहीं हमने, तुसी जो खुश होने की गल करते हो, ठीक है। आइडिया, क्या एयरटेल वाला आइडिया नहीं खास, मैं दूजा आइडिया जिन्होंने कहने भी आइडिया आ गया, जिमें डिस्कस बोथ व्यूज है ना, जिमें आई डिस्क्राइब माई बोथ नोशन, आइडिया नू नोशन भी कहने, कंसैप्ट भी कहने, थॉट भी कहने, डिजाइन भी कहने, तो ऑब्जेक्टिव भी कहने, भी तेरा आइडिया की है, तेरा ऑब्जेक्ट की है, ठीक है। इस वर्ड के सीरीयस की किसी वाला सीरीयस नहीं है, मैं तेनों लैके बहुत सीरीयस है, होर सीरीयस हैगा जिहड़ियां प्रॉब्लम्स होंदियां ने, जिवें ग्रेव रिपरकशन होंदी आ जिहनूं आपां कहिंदे बड़े सीरीयस इहदे मुद्दे ने इशू ने गे, ये बड़ा ग्रेव रिपरकशन हैगा या मेजर हैगा या अर्जेंट है, क्रिटिकल सिचुएशन है, सर सीरीयस सिचुएशन, जिवें आपां हॉस्पिटल च सुणदे आ ना, जिवें डॉक्टर कहिंदा वी इहदी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, क्रिटिकल मतलब सीरीयस हैगा, ठीक है। विक्ट्री, विक्ट्री होंगे जितना, जिन्हों कहने विन, सक्सैस, प्रिम्फ, कॉनक्यूर करना, ये सारिया जित दियां निशानियां ने, परमात्मा सारियां नूं जितावे कृपा रखे। शोज, ये यूज होगा टास्क वन दे विच जदों द पाई चार्ट शोज,
illustrates, demonstrates, depicts, represent. ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਰੀਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਸਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਰਹੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੋਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੀ ਮਿਸਟੇਕ ਨਾ ਕਰੀਓ, ਗਲਤ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਪੀਪਲ ਆਏ ਗਿਆ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਿਖਾ ਦਾ। ਚਲੋ ਵਰਡ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯੂਜਲੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਸਪੈਲਿੰਗ ਲਿਖਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ SUPERSTITION। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਹਿਮ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਿੱਲੀ ਰਾਹ ਕੱਟ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਛਿੱਕ ਮਾਰਤੀ, ਸ਼ਗਨ ਪਾਉਣਾ, ਪੌਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਵਹਿਮ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਹਿਮ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਹਿਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ੀਅਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵਹਿਮ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ੀਅਸ ਮਤਲਬ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਹਿਮ, ਅਤੇ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਹਿਮੀ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕੰਮ ਆਊਗਾ, ਘੈਂਟ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਿਆ, ਪਰ 20 ਵਰਡ ਵੀ ਸਿਖਾਏ ਅਤੇ ਬੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਦੱਸਣੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। 1 ਮਿਲੀਅਨ ਕਰ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੇਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਫੜ ਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਆਇਲਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਇੱਕੋ ਚੈਨਲ ਰਮਨ ਆਇਲਸ ਵਾਲੇ ਦੇ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆਇਲਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੋਊਗੀ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ, ਐਜ਼ ਅ ਜੋਕਰ ਆਈ ਪਰਫੋਰਮ ਫਰੰਟ ਆਫ ਯੂ ਪੀਪਲ। ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਆ ਮੈਂ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਸਮਝੋ, ਰਮਨ ਸਰ ਸਮਝੋ, ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸਮਝੋ, ਦੋਸਤ ਸਮਝੋ, ਬਸ ਸਿੱਖ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ, ਬੱਚਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਮੇਰੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੇਬੀ ਕੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ, ਰਮਨ 0007 ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਮੋ ਕੋਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੂਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ 350-350 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੋਡਿਊਲ ਕਵਰ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਬੀ ਕੋਡ ਅਤੇ ਰਮਨ 0007 ਪ੍ਰੋਮੋ ਕੋਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 1 ਮਹੀਨਾ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਲਾਈਫ ਨਾ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਰਮਨ ਸਰ ਨਾ ਕਹੀਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਲਵ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ 2 ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ, ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਦੱਸਿਓ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।